निमाड़ क्षेत्र के खरगोन जिले में प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में जंगल क्षेत्र के जंगली जानवरों को पीने के पानी की समस्या होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नदी में पानी के अभाव से खेती में सिंचाई के लिए पानी की समस्या बनी रहती है। हालांकि जंगल क्षेत्र में वन विभाग द्वारा जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन किसानों को खेत में सिंचाई हेतु पानी से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन इस वर्ष 2020 में क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला के अथक प्रयास से नर्मदा शिप्रा एवं नर्मदा मालवा गंभीर परियोजना के माध्यम से निमाड़ क्षेत्र की नदियों में पानी छोड़ने हेतु एक पत्र जारी किया गया था, जिसके तहत आज नदियों तक पानी पहुंच चुका है, जिससे अब जहां किसानों को राहत मिलेगी वहीं पशु पक्षी भी अपना गला तर कर सकेंगे। सर बताएं, चोरल नदी में पानी आ गया, जब वन्य प्राणियों के लिए पानी की बड़ी फजीहत हो रही है, पर आज देखा जा रहा है कि चोरल नदी में पानी आना एक बहुत बड़ी सौगात है, क्या कहेंगे आप? माननीय विधायक महोदय एवं मीडिया के प्रयास से जो नर्मदा छिप्रा एवं नर्मदा गंभीर से जो पानी छोड़ा गया चोरल नदी में, वो बहुत ही सराहनीय है और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। चोरल नदी में पानी सूखने से वन्य प्राणियों, किसानों और अन्य जानवरों को भी परेशानी हो रही थी, इससे सभी को पीने का पानी और पेड़ पौधों को भी पर्याप्त लाभ होगा। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।